कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 माह बाद देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। साल 2024 में देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। पारण का समय रहेगा 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 पर। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 1:01 पर। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:46 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 नवंबर 2024 को शाम को 4:04 पर। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।